subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon so you never miss an update. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here, and in this video, I'm going to show you a bicycle which is from electricity, which is this cycle. This is Hero Lectro Renew model, and thanks to Hero for sending me this bicycle for review purpose. And I'll tell you about the little bit detail specification of the cycle, so let's continue the vlog. तो सबसे पहले आपको देता हूँ पूरी बाइसिकल का मैं ओवरव्यू एंड थैंक्स टू शाश्वत एंड इनका भी चैनल है बाय द नेम ऑफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड आपको देता हूँ पूरी बाइसिकल का मैं ओवरव्यू तो अब जरा बात कर लेते हैं बाइसिकल की बैटरी के बारे में तो बैटरी जो है वो है लिथियम आयन 36 वॉट्स की बैटरी एंड उसमें आपको मिल जाते हैं पैनासोनिक सेल्स जो कि काफी ज्यादा अच्छी कंपनी के हैं एंड जो उसकी टॉप स्पीड है बाइसिकल की वो 25 किलोमीटर पर आवर की एंड जो चार्जिंग टाइम एंड जो रेंज है मेरे हिसाब से चार्जिंग टाइम जो अब तक मैंने ऑब्जर्व करा है वो है 3 to 4 आवर्स 0 to 100% होने तक एंड जो उसकी जो रेंज है बाइसिकल की मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व करी है वो है इसकी 40 to 45 किलोमीटर तक की रेंज बाइसिकल की एंड जो कि काफी ज्यादा आपको अच्छा बैकअप देती है तो बात करते हैं बाइसिकल की ब्रेकिंग के बारे में तो जो रियर ब्रेक है बाइसिकल की उसमें आपको मिल जाती है टेक्ट्रो कंपनी की हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जो कि है 160 mm की एंड उसमें लगा हुआ है ब्रेक सेंसर एंड अब बात कर लेते हैं फ्रंट ब्रेक की एंड वो जैसी बिल्कुल सेम है रियर ब्रेक जैसी इसमें आपको मिलता है टेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसमें आपको मिलती है 160 mm की डिस्क ब्रेक साथ में ब्रेक सेंसर बैटरी का जो चार्जर है वो 36 वॉट्स का 2 एम्पायर का चार्जर तो बाइसिकल में आपको मिलता है 42 टीथ्स का सिंगल स्पीड क्रैंक सेट तो बात कर लेते हैं बाइसिकल के फ्रेम के बारे में तो बाइसिकल के जो फ्रेम का मटेरियल है पूरा एलॉय का मटेरियल है एंड उसका जो फ्रेम साइज है वो है 18.5 इंचेस का बाइसिकल में आपको मिलता है शिमानो एल्टस का रियर डिरेलर एंड जो शिफ्टर्स मिलते हैं वो भी आपको शिमानो एल्टस के मिलते हैं बाइसिकल का जो पूरा हैंडल बार है पूरा एलॉय का बना हुआ है तो अब बात कर लेते हैं बाइसिकल की हब के बारे में तो बाइसिकल में आपको मिलता है क्वांटो कंपनी का हब एंड उसमें एक मोटर भी लगी है बेफैंग कंपनी की इसमें आपको मोटर मिल जाती है तो जो बाइसिकल के फ्रंट टायर है उसमें दे रखा है क्विक रिलीज सिस्टम जिससे आपका जो टायर है काफी ज्यादा इजीली निकल जाता है एंड जो उसका सीट पोस्ट है उसमें इन्होंने दे रखा है क्विक रिलीज सिस्टम जिससे आपकी जो सीट है काफी ज्यादा इजीली एडजस्ट हो जाती है तो बाइसिकल में स्पीडोमीटर दे रखा है उसके लेफ्ट साइड में एक रिमोट भी दे रखा है रिमोट पे ऑप्शंस है प्लस माइनस और लाइट कंट्रोल का ऑप्शन है एंड वहाँ पे साथ के साथ बैटरी ऑन का ऑप्शन भी दे रखा है एंड प्लस और माइनस है जो स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीडोमीटर के अंदर स्पीडोमीटर में आपको सारा कुछ मिल जाता है लाइक कैलोरीज बर्न डिस्टेंस एंड स्पीड तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाती है एंड जो साइकिल जब चार्ज होती है आपकी वो भी बता देता है कि आपकी साइकिल पूरी चार्ज कितने % हो चुकी है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो अब बात कर लेते हैं बाइसिकल की स्टेम के बारे में बाइसिकल में आपको मिल जाती है एलॉय स्टेम 31.8 mm की एंड जो उसका एक्सटेंशन होता है वो है 90 mm तक तो बाइसिकल में जो आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है आपको मोजो कंपनी का 26 इंचेस का सस्पेंशन विद मैकेनिकल लॉकआउट तो बाइसिकल में आपको मिलते हैं 26 इंचेस के टायर्स सो एक बार ये देखिए पूरी डाउन हिल है एंड इससे मैं एक बार साइकिल चढ़ा के लाऊंगा ऊपर तो लेट्स बिगिन Thank you.
ये वाली बाइसिकल मुझे पता लगा कमेंट सेक्शन के अंदर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल YPM व्लॉग्स को एंड थैंक्स टू अक्षय फॉर हेल्पिंग मी इन दिस वीडियो. यहाँ पे अक्षय है एंड आपका भी चैनल है बाय द नेम ऑफ राइड ऑन. किस बारे में चैनल है आपका? सब्सक्राइब कर देना इनको, जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर.